everyone, welcome and welcome back to our YouTube channel Reactions Heard. मैं आशु, मैं मीनाक्षी. So here we both are back again with another reaction video on breakdown of माँ कसम. चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, do hit the bell icon also to get notifications of upcoming videos. और my second channel that is the Delhi Girls, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस भी देख लेना उसकी. अब स्टार्ट करते हैं. एक चीज भूल गए, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको और आपकी पूरी फैमिली को. हेलो नमस्ते पेरी पोना पाय लागू. मेरा नाम है रोहन कारियापैन. वी आर हियर टू ब्रेक डाउन कृष्णास न्यू डिस माँ कसम. तो काफी सारे रेफरेंसेस और मेटाफर्स से लदा हुआ ये गाना है, तो पहले ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद गाने के बारे में कुछ बातें होंगी तो वो की जाएगी. सो लेट्स जंप राइट इनटू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द ट्रैक माँ कसम. मुफाड ने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अनाउंस किया था कि उनका मार्च में ही ये गाना आने वाला है विद द सेम नेम माँ कसम. कृष्णा हियर वेरी स्मार्टली नेम्स हिज ट्रैक माँ कसम ताकि वो मुफाड के आने वाले ट्रैक को ओवरशैडो कर ले. A really smart move. Also notice what Krishna is wearing. उसका जो कॉस्ट्यूम है वो थोड़ा अंडरटेकर के कॉस्ट्यूम की तरह लग रहा है. बट 16th सेंचुरी में जो एनाबैप्टिस्ट एग्जीक्यूशनर्स होते थे, जो औरतों को जिंदा गाड़ते थे एज अ पनिशमेंट, उनका भी अटायर कुछ ऐसा ही होता था. Here Krishna's attire could be a reference to how he is wearing Mufad on this track. तूने लाइन क्रॉस करी, तो मैं एक और बार लाइन क्रॉस करूंगा. आखिरी बार. इसमें कृष्णा इज एक्चुअली गिविंग द रीजन व्हाई ही जंप्ड बैक इनटू दिस बीफ फॉर वन फाइनल टाइम. एंड द रीजन इज मोस्टली रिलेटेड टू मुफाड्स पोस्ट्स एंड मुफाड्स लाइव स्ट्रीम, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था. आपको लगा पड़ी हुई लकड़ी है बट वो छाता निकला, ठीक है. या जो भी सारी चीजें हैं, आप मेरे को हल्के में लोगे तो मेरी कला मेरे साथ है ब्रो. कोई सा भी आ जाओ, कोई सा भी आ जाओ. कृष्णा सेज कि अगर तू लाइन क्रॉस करेगा तो मैं भी करूंगा. कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब ले रहा तेरी क्या करे. कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि ही वाज आउट ऑफ दिस बीफ एंड अगर मुफाड चुप रहता तो कृष्णा वापस नहीं आता. एंड वही मुफाड के लिए भी बेहतर होता क्योंकि अब कृष्णा उसकी कहकर लेंगे. कहकर रॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को लेकर. ओके, इस लाइन में बहुत कुछ है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्वियस मीनिंग कि कृष्णा सब देख रहा है एंड मुफाड ने उनका नाम लेकर अच्छा नहीं किया, ठीक है. देन कम्स द मोर कॉम्प्लेक्स मीनिंग. ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट एक एनिमे है जिसके पब्लिशर्स हैं बंदाए नाम को. तो बंद आए को यहाँ पर बंद आए यानी क्लोज्ड आए की तरह भी रेफर किया गया है. एंड बंदाए नाम को के नाम को नाम को की तरह रेफर किया गया है. ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया, कैकरॉट इज द बर्थ नेम ऑफ गोकू जो कि ड्रैगन बॉल जी के लीड कैरेक्टर है. तो कृष्णा कह रहे हैं कि इस बीफ गेम के लीड प्रोटैगनिस्ट वही हैं. ऑल्सो दिस सेंटेंस हैज नाम कोल करी नाम को लेकर. कोल कुड बी अ नेम ड्रॉप ऑफ दिस अमेजिंग रैपर जे कोल, जिसका नाम लेकर लिल पंप ने उसे डिस किया था एंड देन ही गॉट लिरिकली मर्डर्ड बाय जे कोल. फेकर है, मरेगा तो करेगा ना मिस कोई. कृष्णा सेज कि मुफाड इज नॉट रियल, ही इज फेक एंड अगर वो रैप छोड़ भी देते हैं तो उन्हें कोई ज्यादा मिस नहीं करेगा इस गेम में. रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई. येट अनदर डिस वेयर ही इज रेफरिंग टू मुफाड एज अ फीमेल. ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आने वाले हैं थ्रू आउट द सॉन्ग. जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश कोई. कृष्णा हियर सेज कि जब तक मुफाड का फायदा हो रहा था वो भी रा कर रहा था यानी रफ्तार रफ्तार कर रहा था. ऑल्सो मटन रारा एक मटन की डिश का भी नाम है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है. झटका लगा था तुझे मारने के बाद. अच्छा, मटन दो कट्स में आते हैं, एक होता है हलाल कट एंड दूसरा होता है उसका ऑपोजिट झटका. कृष्णा सेज की महारानी के बाद मुफाड की एग्जीक्यूशन हो गई थी. ऑल्सो झटका हैज एन ऑब्वियस मीनिंग जो कि होता है शॉक लगना. झटका लगा था तुझे महारानी के बाद. बोल बेटी सच, जब तू सही है ना. देन कृष्णा सेज की उस टाइम जो तुझे शॉक लगा था अब तो तू ठीक है ना. सीए टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था. सीए टायर का रेफरेंस हमने दशहरा में सुना था. पत्ता जितनी भी हो चक्के जाम में सीए का टायर. हियर कृष्णा सेज कि वो रबर टायर की बात नहीं करेंगे लेकिन मुफाड के पापा को रबर लगाना चाहिए था. रबर हियर रिफर्स टू कॉन, कहने का मतलब है कि मुफाड शुडंट हैव बीन बोर्न. रोले तुझमें दम ना तो पार कर जमना को. रोले तुझमें दम ना से कृष्णा मुफाड को कह रहे हैं कि यू कैन क्राई ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड लाइव बट तुझमें एक्चुअली दम नहीं है. So, पंजाबी में रोले का मतलब होता है कंट्रोवर्सी खड़ी कर. ओके, द नेक्स्ट लाइन इज कि अगर तुझमें दम है तो जमना पार करके दिखा. रोले तुझमें दम ना तो पार कर जमना को. नाउ लॉर्ड कृष्णा ने पैदा होते ही अपने पिता वासुदेव के साथ यमुना रिवर को पार किया था. एंड हियर कृष्णा इज आस्किंग मुफाड टू डू द सेम बिकॉज दिल्ली के जमुना पार इलाके में रागा का घर है हु हैज ऑलरेडी थ्रेटन्ड मुफाड इन हिज स्टोरीज ऑफ फिजिकल वायलेंस. तो कृष्णा कह रहे हैं तू एक बार जमुना पार जाके दिखा अगर दम है तो. इस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को.
हियर कृष्णा सेज कि अगर मुफार को कोई डिस करे तो वो मम्मी को जाके कंप्लेन करता है. इट्स अ वे टू शो कि मुफार इज वेरी सॉफ्ट एंड वेरी इमोशनल एट हार्ट. दिस पर्टिकुलर लाइन वाज बेसिकली अ शॉट एट हाउ मुफार वाज इमोशनली हर्ट बिकॉज़ कृष्णा ने उनके पेरेंट्स को डिस किया था एंड उनकी गर्लफ्रेंड को डिस किया था. In this line, Krishna clears the allegation. He says कि मैंने मुफार की मम्मी को इंसल्ट नहीं किया because it's not her fault कि उनका बेटा निकम्मा निकला है. Okay, तो मोक्ष नाम के ट्रैक में पोसंपा भाई पोसंपा से जो नर्सरी डांस को इंक्लूड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था. पोसंपा भाई पोसंपा कलमकार में क्या हुआ रिंगा रिंगा रोज इस तू रोज करे कोशिश वो यहाँ पे भी जारी है with this nursery rhyme called बाबा ब्लैक शीप. Also, ब्लैक शीप मीन्स एक ऐसा फैमिली मेंबर जिसकी वजह से उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ती है. रीअफर्मिंग द प्रीवियस लाइन ऑफ दिस ट्रैक. उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो बा 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 ब्लैक शीप हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट. ट्रैक मीन्स सॉन्ग्स बट जहाँ पे ओलंपिक्स के एथलीट्स भागते हैं उसको भी ट्रैक ही बोला जाता है. तो इस सेंटेंस में ट्रैक इज अ डबल एंटेंड्रे. हियर कृष्णा सेज कि वो हर ट्रैक पे एथलीट लगते हैं. फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं मुफार ने अपने ट्रैक में बोला था कि कृष्णा अपने उम्र से छोटे रैपर रफ्तार के अंडर साइंड है. अपनी उम्र से छोटे रैपर के अंडर साइंड शर्म कर. हियर कृष्णा सेज कि ही हैज शेयर्स इन कलमकार टू तो ही इज अ पार्टनर एंड इज नॉट अंडर रफ्तार. वो तो किसी के नीचे नहीं है लेकिन मुफार्ड अंशुल गर्ग और टोनी कक्कड़ के नीचे है बिकॉज दे आर द फाउंडर्स ऑफ डीएमएफ एंड मुफार्ड इज साइंड टू डीएमएफ. मिशनरी शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी कितने में बिकेगा तू दाम दे. Okay, this was a jibe at Mufard's name. Krishna says ki ye naam se hi blow job dene wala lagta hai because obviously his name is Mufard. Bunty ko jaake ab gaand de. Bunty in this line refers to anyway Bantai and baki sara aap khud samajh sakte hain. Teri jani booty beta ye na koi ram de. Now booty ke do matlab hote hain. Pehla wala hota hai pichwada and dusra meaning is booty yani weed marijuana. Krishna says ki teri booty jali yani English wali booty jali yani uska pichwada jala. Also referring to how Mufard smokes a lot of marijuana and weed. Then in the next line he says ye na koi Ramdev. Teri jani booty beta ye na koi Ramdev. Baba Ramdev is a very popular yoga guru jo diseases ko cure karne ke liye jadi booty batate hain yani herbs batate hain. And इस sentence की वजह से booty becomes all in all a triple entendre. अब कोरी ही चिनाले बस जाए जाए फायदा. Okay, अब यहाँ से थोड़े complex बात शुरू हो गए. थोड़ा ध्यान दो. मुफार्ड का असली नाम है गौरव एंड उसको फीमेल की तरह रेफर करने के लिए कृष्णा कॉल्स हिम गौरी एंड देन ही सेज कि गौरी ही चिनाल. चिनाल मतलब होता है कैरेक्टरलेस वुमन जो नाम मुफार्ड ने कृष्णा को अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में दिया था. यहाँ कृष्णा कहते हैं कि अब मुफार्ड ही छिनाल है यानी गौरी ही छिनाल है क्योंकि वो वही जाता है जहां से उसको फायदा होता है. ऑल्सो बस जाए मीन्स ही ओनली गोस यानी वो तो बस वही जाता रहता है. वो वाला बस जाए इज ऑल्सो सिमिलर टू बस जाए यानी कहीं पर रह जाए. अरे यार ये तो हमारे घर पे आया और यहीं पर बस गया. ऑल्सो द वर्ड बस इन इंग्लिश मीन्स किस. तो कृष्णा सेज कि मुफार्ड इज अ कैरेक्टरलेस वुमन यानी छिनाल हु विल किस एनीवन जहां से उसको फायदा मिलेगा. एंड फाइनली फाइनली वर्ड बस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन अ पर्सन हु इज हाई. लाइक सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो अरे यार ही इज टू हाई मैन ही इज बजिंग. समझ रहे हो. एंड इस फोर्थ मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लाइन में नशा के ना रुकने की बात भी की गई है. तेरा नशा रुक नहीं पाएगा. डैम व्हाट अ वर्ड प्ले. ब्रिलियंट लाइन. बट वेट डू यू थिंक कि इस लाइन में इतना ही था. यू आर रॉन्ग. नोटिस द नेम गौरी. गौरी एक्चुअली शाहरुख खान की वाइफ का भी नाम है एंड कृष्णा हैज नेम ड्रॉप शाहरुख इन द वेरी नेक्स्ट लाइन. नशा रुक को अगर आप ब्रेक करोगे इट विल साउंड लाइक नशा रुक. तेरा नशा रुक नहीं पाएगा. एंड द वे ही इज प्रोनाउंस्ड इट आल्सो गिव्स इट अवे कि इंटेंशनल था. व्हाट A level of lyricism have we reached here, guys. Amazing. बनाया मैंने जाके रावण को रामायणा तेरी पहेली का अंजाम मार खाएगा. Now पिछली लाइन में शाहरुख के बारे में बात करती है यानी इस लाइन में भी आप शाहरुख के references देख सकते हो. The words used like रावण पहेली अंजाम were शाहरुख खान's movies. Damn. Too good. Also, this line means कि कृष्णा ने रावण को जो कि एक मीडियोकर फिल्म थी उसको रामायण बना दिया. That is a cult.
And in the next line, he threatens Mufad Here Krishna says ki Mufad himself is a backstabber and then wo bolte hain ki apne aap ko aaine mein dekh tab tujhe samajh aa jayega. Also this could be a reference to the poster of Dashera where mirrors yani aaine ko toota hua dikhaya tha. Lagta tu pussy jo ke bin waje aaina. Now pussy has two meanings. First is darpok insaan, bahut dara hua insaan, but it also has a much more obvious meaning. Which is female reproductive part. And one thing that you know is that it doesn't come without efforts being put on it. Therefore, tu hai pussy bin wajah aina. Also, wajah aina is a wordplay on vagina, which is another word used bin for wajah pussy. Aina. Crazy vagina. Stuff. Bitch, I'm a god turned out to be a bad diss. So Mufad in his live video said ki wo bimar the and bimari mein unhone ye gana banaya tha. Krishna here refers to that and says ki wo sirf ek bahana tha. Krishna then says ki wo Nehwal ke jaise hain क्योंकि वो अपने ओपोनेंट के ऐसे एक्सक्यूज सहे ना. नाउ सहे ना इज अ वर्ड प्ले ऑन साइन अप एंड साइना नेहवाल इज अ वेरी पॉपुलर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर. पर जैसे नेहवाल मैंने ऐसे बने साइना. व्हाट अ वर्ड प्ले येट अगेन. अगली बार देखी तो तेरे लिए घुसंड है. येट अनदर वार्निंग अबाउट फिजिकली बीटिंग Mufad अप. तुझे लगा तू जीता तुझमें घमंड है. हियर ही सेज कि अगर Mufad को लगता है कि वो जीता वहीं हार गए थे जहां तुमने सोचा कि तुम मुझे हराओगे ब्रो. तुम लोग वहीं हार गए थे ब्रो. तो ये उसका एरोगेंस था. गानों में करे तू मेरे लंड का जिक्र मिस स्पाइस जेट से ज्यादा लगता तुझको पसंद है. Mufad ने मोक्ष के बाद अपने ऑलमोस्ट हर गाने में कृष्णा की पीनिस के ऊपर उन्हें डिस किया था. फुंसी से छोटा है सर तेरे लोड़े का सत्ता लोड़े की से बात की अकड़ा तुझे फुंसी बने नूनिया तो सुने याद रखे आंगो के पिछोड़ा अब पहने गोटेगा शिनालपुरी वाह ये तो अच्छा खासा साइज है. कृष्णा हियर रिस्पॉन्स टू दैट एंड सेज कि इसने मेरे पीनिस साइज के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन की अपने गाने में कि ऐसा लग रहा है कि मिस स्पाइस जेट से ज्यादा Mufad को कृष्णा के पीनिस में इंटरेस्ट है. मिस स्पाइस जेट इज रेफरिंग टू Mufad's गर्लफ्रेंड जिसके बारे में महारानी में भी जिक्र हुआ था. इसे नापने का शौक है इसे नापने का शौक इसे नापने का शौक है इसे नापने का शौक है इसे नापने का शौक कब ये कांपेगा खौफ से. वाओ ही यूज्ड द मेलोडी एंड फ्लो ऑफ नाचने का शौक सॉन्ग एंड मेड इट नापने का शौक रेफरिंग टू हाउ Mufad हैज टॉक्ड अबाउट हिज पीनिस साइज. Hashtag fix match एक hashtag है जो Mufad ने अपने 2020 के almost हर Instagram post के नीचे डाला है. Calling this beef a fixed match from Kalamkar's side. Referring to this, Krishna says कि तू हर बार hashtag fixed match करता रहता है and then he name drops this guy named Sanjeev Chawla who's a cricket bookie जिसने India और South Africa के match फिक्स करवाए थे उसको बहुत ही रिसेंटली पकड़ा गया था. शक्ल से तू लगता है पैंजी. शक्ल से पैंजी का मतलब होता है शक्ल से ट्रांसजेंडर या शक्ल से किन्नर दिखना. स्कैंडल में हैंजी करियर डूबा हुआ बिग क्रैश. हैंजी से यहाँ पे मतलब है हैंजी क्रॉनिए हु वाज अ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर बहुत पॉपुलर क्रिकेटर थे अपने टाइम के जिसको मैच फिक्सिंग के स्कैंडल में पकड़ लिया गया था. एंड गेस करो वो मैच फिक्सिंग का बुकी कौन था. Yes, you're right. It was Sanjeev Chawla. उस स्कैंडल के बाद Hansi Cronje was never allowed to play for South Africa and 2 years later he died in a plane crash. Now ये सारी चीज कृष्णा ने इस एक लाइन में एक्सप्लेन करी है एंड Hansi Cronje को Mufad से भी कंपेयर किया है. पुणे कलमकार से पांच लोग ने डिस किया पांच लोग की तरह शायद मैंने कुछ मिस किया डिस किया दो ने. Mufad has been calling it a कलमकार versus Mufad match जिसमें वो पांच लोगों के अगेंस्ट अकेले खड़े हैं. Here Krishna says कि पांच नहीं सिर्फ दो रैपर्स ने डिस किया था फ्रॉम कलमकार Harjas and Krishna himself. Here Krishna says कि Mufad ने MEV के फैंस को प्रजा बोल के उनको इनलिस्ट किया यानी उनका सपोर्ट और हेल्प लिया उनको प्रजा बोल के. तीन दिन लापता मैंने करा केस क्लोज. Mufad took 3 days to respond to महारानी. Krishna says कि Mufad 3 दिन तक लापता थे एंड उसके बाद उन्होंने ये बीफ गेम का केस क्लोज कर दिया. जब रियल लाइफ में भी कोई मिसिंग हो जाता है जो कोई खो जाता है तो पुलिस एक टाइम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखती है. अगर उनको कोई लीड नहीं मिलता है उनको कोई क्लू नहीं मिलता है तो वो केस क्लोज कर देते हैं. इसी चीज को कृष्णा ने रेफर करते हुए ये लाइंस लिखी है. रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो. रागा से चपेट दो रेफरिंग टू टू डिस्ट्रैक्ट्स बाय रागा नेमली जहन्नुम एंड नो ऑफेंस. गोरीपाल के गाल काट के लाल बिल्कुल जैसे तूने बोला इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो. कृष्णा सेज की रागा की चपेट के बाद Mufad का पिछवाड़ा लाल हो चुका है. ही देन रिफर्स टू Mufad's डिस. ब्रो बड़ा चिट्टा लौंडा है तू पिंक कलर का मेरा टोपा भी है सेम टू सेम ब्रो.
कृष्णा सेज की जैसे तूने मेरा फेस का कलर बताया था वैसे ही तेरे पिछवाड़े का कलर हो चुका है। हाई फाइव, जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। नाउ इससे पहले हम एलान ट्रैक में हुए पिंक कलर वाले रेफरेंस की बात कर रहे थे जो कृष्णा के लिए बोला गया था, एंड उस एग्जैक्ट सेम लाइन के बाद मुफार्ड ने एलान ट्रैक में एक हाई फाइव दिया था। एंड इन दीज बार्स कृष्णा रिटर्न्स द हाई फाइव विद टॉप नॉच राइमिंग एंड फ्लो। हाई फाइव, जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट, ये हाइप की है भूखी दे तो थोड़ी लाइम लाइट, ये है फाइट नाइट तो मैं लगू माइक टाइस, टू सिक लाइक ट्वाइस आई रोल द डाइस राइट। ग्रेट स्टफ कृष्णा, ग्रेट स्टफ। हाई फाइव, जल परी डूबी आने लगी हाई टाइट। जल परी वाज द नेम गिवन टू मुफार्ड, एंड कृष्णा सेज की बड़ी लहर आ रही है रेफरिंग टू हिमसेल्फ एज हाई टाइड, एंड उसमें जल परी डूब रही है। ये हाइप की है भूखी दे तो थोड़ी लाइम लाइट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बार है, हियर ही सेज की मुफार्ड जस्ट वांट्स हाइप and fame. Yeah, fight night to main lagu Mike Tyson. Here Krishna says ki if this beef is a fight, then Krishna is the Mike Tyson. Mike Tyson is regarded as the hardest puncher ever in the history of boxing. He was also one of the most feared boxers of all time. Too sick like twice I roll the dice right. Too sick is a double entendre where the first meaning is Krishna is too sick. Yani Krishna is too good, bahut sahi. Second meaning is too sick. Yani Mufard bimar hai. Jo apne pehle diss track likhte waqt wo actually the. Now too sick has another meaning jo hamein next line ke baad pata chalega. Too sick like twice I roll the dice right. Now too sick here is too sick like twice I rolled the dice right. Now dice mein sabse zyada bada number aur sabse zyada significant number hota hai 6, and do baar dice ko agar sahi se roll kiya jaye to do 6 aate hain. Too sick becomes too six, yani tu chakka hai, also tu transgender hai, and that makes too sick a triple entendre. Fantastic. स्टूडियो की बात तुझे याद होगी, तेरी आवाज सुने बिना सबकी सांस उड़ी, पूरी अपनी जनता भाग उठी जब तूने जूते खोले और गंदी बात उठी। नाउ इसको भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ही इज टॉकिंग अबाउट वन इंसिडेंट जिसमें स्टूडियो के बाहर जूते उतारने के बाद मुफार्ड के पांव से बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आ रही थी, एंड ही इज जस्ट रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट इन दीज बार्स। Mr. Smelly Foot, got killed by Mr. Yellow Tooth, Damn, that is smart. He's addressed himself as Mr. Yellow Tooth. And now he's addressing Mufard as Mr. Smelly Foot. And abhi tak is diss track mein, this is the second time that Krishna has accepted a diss. Pehle wo pink color ka jo reference tha, usko accept kiya. Now Yellow Tooth ko bhi accept kiya. And actually, it's way smarter than saying, mera pink face nahi hai, ya mere daant peele nahi hai. So good strategy by Krishna. Anshul ke aage zyada na jhukna, kahin zyada ghis na jaye tera ghutna. Anshul Garg is the co-founder of DMF, jisko Mufard ne sign kiya hai. And here Krishna says ki Anshul ko zyada blowjob mat diya kar. Now one interesting fact, jo abhi Maa Kasam ki hook आपने सुनी, उसकी मेलोडी एंड हुक इज वेरी सिमिलर टू दशहरा का हुक। अष्टमी खत्म हुआ दशहरा, लुगाई वाला चेहरा, ब्लाउज जाके पहना, नाच मेरे आगे तब फेंकूंगा पैसा। इट इज द सेकेंड टाइम इन दिस ट्रैक ऑलरेडी जब किसी गाने के हुक के मेलोडी और फ्लो पे ही मुफार्ड को डिस किया गया। दिल तेरा केरा। नया है सवेरा could be a response to Mufard's claim कि जब उनका और कृष्णा का बैटल होगा तो सुबह हेडलाइन होगी कि मुफार्ड ने कृष्णा को हरा दिया। तो here Krishna says कि ये वाला जो सवेरा है वो नया है and इसमें ऐसी कोई हेडलाइंस नहीं छपेगी। आरी जन्माष्टमी खत्म हुआ दशहरा। Here Krishna says कि अब दशहरा खत्म हुआ, अब जन्माष्टमी का टाइम है। दशहरा is an Indian festival to celebrate Lord Ram's victory over Ravan. And also ये मुफार्ड के पिछले डिस्क का भी नाम था because he refers to Raftar as Ravan. And Janmashtami on the other hand is the festival to celebrate the birth of Lord Krishna. So Ramayan happened way before Krishna was born. And hence Dashera ab khatam ho chuka hai and abhi Janmashtami ka time aa chuka hai. Dugai wala chehra, blouse jaake pehna, naach mere aage tab fenkunga paisa. ये बार को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ड्रेसिंग मुफार्ड एज अ फीमेल येट अगेन, बट यहाँ पे जो वर्ड्स की सिलेक्शन हुई है वो बहुत ही केयरफुली चोजन वर्ड है टू मैच दिस स्मॉल क्लिप ऑफ मुफार्ड जिसमें वो डांस कर रहे हैं। What is the context of this video? Is it a deep fake video? We can only take guesses. Mufard ने अपने last diss में कृष्णा और रफ्तार को antique बोला था, and here Krishna says कि Mufard looks more elderly than him. Still Ziki media का बुरा लगता है तू। Reference to this line from Maharani. Hello Mufard. नींद आ रही है। बड़ा Ziki media के कूड़े दान में मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते। And then he says कि तू अभी भी
जिकी मीडिया का कूड़ा ही लगता है। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागी रथ में डूबा डूबा लगता है तू। नाउ दिस होल लाइन इज फिल्ड विद जीनियस डबल एंटेंड्रेज। तो फर्स्ट लेट्स गो थ्रू द ऑब्वियस मीनिंग वेयर कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड़ इज सॉफ्ट लाइक अ सिल्क एंड मुफाड़ को गंगा में कूद जाना चाहिए एकदम रूट के सबसे। एंड देन कृष्णा सेज कि मुफाड़ भागीरथ में जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है उसमें थोड़ा सा डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। ओके अब ऑब्वियस मीनिंग समझ आ गया। अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। मोहित चौहान नाम के सिंगर के बारे में तो सुना होगा जिन्होंने रॉक स्टार के सारे गाने गाए हैं। वो बॉलीवुड से पहले एक लेजेंडरी बैंड का हिस्सा थे। द बैंड वाज कॉल्ड सिल्क रूट। उसका नेम ड्रॉप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के। आल्सो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी भागीरथ इज द नेम ऑफ द किंग जिसने तपस्या करके लॉर्ड शिवा के द्वारा गंगा को हेवन से धरती पे बुलाया था एंड उन्हीं के नाम पे भागीरथ ट्रिब्यूटरी का नाम भी रखा गया था। तो कृष्णा सेज कि कृष्णा भागीरथ है, भागीरथ मैं एंड उन्हीं के द्वारा बुलाई गंगा में मुफाड़ डूब रहे हैं। ऑल्सो डूबा डूबा रहता हूँ जो गाना है वो सिल्क रूट बैंड का ही गाना है एंड दैट्स व्हाई यू विल सी डूबा डूबा रेफरेंस एट द एंड ऑफ दिस बार। सॉफ्ट जैसे सिल्क रूट के गंगा में कूद भागीरथ में डूबा डूबा लगता है तू। व्हाट अ लाइन। वो वॉइस नोट दिस गेम से पुराना भड़काने का तरीका भी लेम है तुम्हारा। ओके हियर समथिंग न्यू। कृष्णा सेज कि जो हर्जस का वॉइस नोट दशहरा में प्ले किया गया था जिसके बाद एकदम हड़कंप मच गया था। आई थॉट कलमकार हैज नो वे टू जंप बैक इनटू दिस गेम। अबे अंकित मेरा दिमाग खा रहा है बेंचोद, एक तरफ हो जा या मुफाड़ से मिल ले या हमारे साथ रह ले। मैं जो चुतिया बनती फिर बीच में कह रहा कि अगर तेरे को ऐसे ही तेरे को भी सांप बनना है तो चला जा एक काम कर, और इफ यू मतलब लीव अस देन यू आर डेड ब्रो, तेरा करियर खत्म है। चुतिया बनती बेंचोद। वो जो वॉइस नोट था वो डिस गेम से पुराना था। अज्यूमिंग दैट कृष्णा इज सेइंग द ट्रूथ आई थिंक ये वॉइस नोट हैप्पी दिवाला रावण के बाद का कभी हो सकता है। मे बी आई एम जस्ट पुटिंग आउट गेसेस। देन कृष्णा सेज कि मुफाड़ भड़काना चाह रहा था लेकिन उसका तरीका बहुत ज्यादा लेम है। अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पा रहा क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर साथ नहीं पाला। मुफाड़ का पूरा नाम है गौरव पाल। कृष्णा प्लेज विद हिज सरनेम एंड सेज कि मैं गौरव को पाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं कुत्ते पालता हूँ सांप नहीं, रेफरिंग टू मुफाड़ एज अ स्नेक। मुफाड़ का एक डिस ट्रैक आया था रागा के लिए नेम्ड बिच आई एम अ डॉग। तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे कि तू डॉग नहीं है तू स्नेक है। और हरजस छुपा रुस्तम के टाइम पे हमने उसे बोला ब्रो मत कर डिस तू पर, उसने बोला भाई मुझे करना है वो है उसकी मर्जी एंड वी डोंट हैव एन इशू। ये भी बहुत आसान है समझना, ही इज जस्ट क्लियरिंग आउट द एलिगेशंस ऑन कलमकार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रफ्तार और अंकित अपने आर्टिस्ट को कंट्रोल करते हैं, बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन कृष्णा सेज कि डिसिंग मुफाड़ वॉज हरजस पर्सनल चॉइस एंड वी डिड नॉट intervene in that. बात करूं सिर्फ अपने लिए और मुझे महारानी से नफरत है। Now Krishna here is smartly trying to make this a one-on-one contest between him and Mufad. And then he says कि वो सिर्फ खुद को defend करेंगे और खुद के लिए ही बात करेंगे। तो अगर आपको diss करना है तो Krishna को direct diss करो, किसी और के नाम पे मत diss करो। Exactly. And then he says और मुझे महारानी से नफरत है। He hates Mufad. As simple as that. शत्रुघ्न अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी इज लॉर्ड राम्स ब्रदर एंड बोला जाता है कि ही इज द हाफ कॉम्पोनेंट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड गेस हु वाज द एट्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। यप इट्स लॉर्ड कृष्णा। नाउ हियर कृष्णा सेज कि वो अपना सीना तान के चलते हैं जैसे शत्रुघ्न। सीना हियर इज येट अनदर डबल एंटेंड्रे वेयर द ऑब्वियस मीनिंग इज चेस्ट यानी छाती सीना but also it makes the surname of a very popular Bollywood actor Shatrughan Sinha. Hence taan ki ghoomu Sinha jaise Shatrughan. Great line, brilliant. Taan ki ghoomu main Sinha jaise Shatrughan kitno ko diya janam lagta Krishna hi Dashrath. Okay, coming back to the mythology, Lord Shatrughan ke father ka naam tha Raja Dashrath and unke 5 bacche the Ram, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एंड शांता। कृष्णा सेज कि वो इतने रैपर्स को जन्म दे रहे हैं यानी करियर्स दे रहे हैं जैसे वही दशरथ है। कटखटे गोपाला तेरी हंडी ना तोड़ दे। अच्छा, लॉर्ड कृष्णा को बचपन में प्यार से गोपाल या गोपाला भी बुलाया जाता था एंड कहा जाता था कि लॉर्ड कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड वाज वेरी नॉटी। उनको मलाई खाने का बहुत ज्यादा शौक था इसीलिए वो हांडी तोड़ देते थे लोगों की ताकि उसमें से मलाई निकले और लॉर्ड कृष्णा उसमें से सब मलाई खा ले। अब इस लाइन में गोपाला इज लॉर्ड कृष्णा and Krishna is obviously referring himself as Gopala. Teri handi na tod de. Handi is like matka and in this sentence it refers to ass yani pichwada. Krishna here says ki Gopala thoda natkhat hai, wo thoda naughty hai, yani Krishna is a little bit naughty and wo Mufad ka pichwada tod denge.
एंड द नेक्स्ट लाइन इज गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे फिर सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। नाउ सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे, इस बात को एक्सप्लेन करने का कोई भी सोफिस्टिकेटेड वे नहीं मिला मुझे। तो बेसिकली हियर मक्खन रिफर्स टू कृष्णास कम। ट्रैक पे तो यहां सारे बनते हैं हार्ड पर मिलके डर से हो जाते ये तोतले। नाउ इस लाइन के भी दो मीनिंग है। तोतले द ऑब्वियस मीनिंग इज मुफार ट्रैक पर हार्ड बनता है बट सामने मिलने से डरता है। द सेकंड मीनिंग इज अगेन अ माइथोलॉजिकल वन। कृष्णा की मम्मी जो थी वो दूध और मलाई एक हांडी में रख के छुपा के जाती थी बिकॉज शी न्यू कि कृष्णा को वो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड जब वो वापस आती थी उनको वो मिलता नहीं था बिकॉज तब तक लॉर्ड कृष्णा दूध और मलाई चुरा के उसको खा चुके होते थे। एंड जब उनकी मम्मी उनसे पूछती थी कि दूध और मलाई कहाँ गई तो वो तुतला के और स्टैमर करके उनको ये बोलते थे कि बंदर आया और बंदर ने दूध और मलाई खा ली। एंड दैट्स व्हाई द लाइन सेज मिल्क के डर से तोतले हो जाते थे। पर मिल के डर से हो जाते ये तोतले। वाओ अमेजिंग लाइन। कर मेरी बात मैं तो करता हूँ ड्रग्स नहीं माल नहीं फूकता और देता मैं फक्स नहीं। अगेन कृष्णा इज वेरी स्मार्टली ट्राइंग टू मेक दिस अ वन ऑन वन कॉन्टेस्ट बिटवीन मुफार्ड एंड हिमसेल्फ ताकि मुफार्ड के पास कहने को फैक्ट्स कम रहे। नाउ हियर कृष्णा इज रिस्पोंडिंग टू द एलिगेशंस पुट बाय मुफार्ड इन हिज लास्ट ट्रैक दशहरा जिसमें उन्होंने बोला था कि DNH जो कि कलमकार का दूसरा नाम भी है मींस दारू एंड हैश। DNH मतलब दारू एंड हैश। तो कृष्णा कहते हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेते एंड वो माल भी नहीं फूकते। तुझे लगी बड़ी चुल सच की तू करता है दोनों अब बोल ये सच नहीं सच यही। एंड हियर कृष्णा सेज कि मुफार्ड ड्रग्स भी करता है एंड माल भी फूकता है। बोल ये सच नहीं सच यही तू चाहता है हाइप तू चाहता है रफ्तार करे तुझे रिप्लाई। अगेन बहुत आसान है इस लाइन को समझना। ही सेज कि मुफार्ड बस रफ्तार से रिप्लाई चाहता है ताकि उसको और हाइप मिल जाए। तूने करा डिस जिसने माना तुझे भाई ताकि तू बन जाए एक और बंटाई। हियर कृष्णा कंपेयर्स मुफार्ड टू एमिवे बंटाई एंड सेज कि मुफार्ड भी भाई बोल के डिस करता है ताकि वो भी नेक्स्ट बंटाई बन जाए बिकॉज अकॉर्डिंग टू कृष्णा बंटाई ने भी रफ्तार को भाई बोल के बाद में डिस किया था जिससे उसको हाइप मिली थी। डिस क्यों करे उसे जिसे ली उधारी तूने। नाउ हियर कृष्णा सेज कि मुफार्ड dissed the person जिसे उसने उधारी ली। अब either it could be रफ्तार और it could be कृष्णा himself। But इसके आगे आने वाली lines are connected to Maharani's। तो my guess is कि उधारी वाली बात शायद कृष्णा से related हो सकती है। सदमा लगा आखिरकार काटे बाल फिर जाके काली करी सुनहरी वाली ये दाढ़ी तूने जल परी मर पड़ी फिर से मरा ली तूने। Here कृष्णा is talking about the impact that Maharani had on Mufad। He says कि महारानी के बाद ऐसा सदमा लगा मुफार्ड को कि उन्होंने अपने बाल दाढ़ी सब वापस ब्लैक डाई कर ली। Damn, some sick lines coming up. दशहरा में मुफार्ड ने अपने आप को बीथोवन से कंपेयर किया था जो कि एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिकल म्यूजिशियन है। एंड कृष्णा सेज कि मुफार्ड बीथोवन तो नहीं है बट कृष्णा इज बाक। नाउ बाक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट कंपोजर्स ऑफ ऑल टाइम्स एंड इट इज सेड कि बीथोवन वॉज अ ह्यूज एडमायरर ऑफ बाक। बाय द वे क्लासिकल कंपोजर्स वही होते हैं जिनको आपने स्टेज पर एक स्टिक वेव करते हुए देखा होगा ऑर्केस्ट्रा के आगे। उस स्टिक को बेटन भी कहा जाता है। मैं आपको यह भी बता रहा हूँ बिकॉज आगे चल के इसी रेफरेंस का यूज होने वाला है। कृष्णा सेज कि मुफार्ड इज एलिमेंट्री यानी वो बहुत ही बेसिक रैप करते हैं वेयर एज कृष्णा के बार्स आर लाइक जेल के बार्स जिसमें मुफार्ड कैद हो रहे हैं। एंड पुलिस में या लॉ एनफोर्समेंट में जो अथॉरिटीज होती हैं जो आपको जेल करती है उनके हाथ में जो एक मारने के लिए मोटा सा डंडा होता है उस डंडे को भी बेटन कहा जाता है। इन लाइंस में मुफार्ड सिंपली कह रहे हैं कि मेरे गाने इनके करियर पर स्कार्स यानी निशान छोड़ के जाएंगे एंड दे प्रिटेंड टू बी हार्ड टिल कृष्णा स्टार्ट्स वेविंग द स्टिक referring to how he is like Bach and Bach used to wave sticks to start the symphony. Symphony is a name given to a musical composition जो orchestra में बजाता है and उसका जो composer होता है वो ऐसे stick हिला के उस symphony को शुरू करता है and उसको आगे भी बढ़ाता है. And similarly जैसे मुफार्ड कृष्णा के जेल रूपी बार्स में कैद हो गए हैं तो कृष्णा उस बेटन को वेव करके उनके चीखने की सिम्फनी सुनेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक कृष्णा का डिस्क ड्रॉप नहीं होता सिर्फ तब तक आर्टिस्ट हार्ड बनते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया मेटाफर। व्यूज कम आए तो लगाए तूने ऐड दैट्स फैक्ट। नाउ मोक्ष जो ट्रैक था उसको मुफार्ड ने अपनी इंस्टा पर प्रमोट किया था पैसे लगा के कमेंट डाले फेक वाले वैक दैट्स फैक्ट। एंड देन यूट्यूब पर भी बिच्चू मगौड़ के
वीडियो के नीचे हमने फेक एंगेजमेंट एंड फेक कमेंट्स देखे थे। मुफाड़ ने अपने डिस बिच एम ए गॉड में अपने पुराने वर्सेस जो उन्होंने लिखे हुए थे कभी और उसको रिसाइकल करके रीयूज किया था। एंड एक्चुअली मुफाड़ ने जो वर्स यूज किया था बिच एम ए गॉड में वो उन्होंने अपने एक इंस्टा लाइव पर भी परफॉर्म करके सुनाया था। कुछ अनरिलीज सुनाता हूँ, ठीक है, जैसे ज्यादातर होता नहीं है अनरिलीज में कर रहा हूँ लाइव पे, बट आज करते हैं, आज फील फील में करते हैं। सुन महाराज ऐसी प्रजाति के सोने की थाली न बर्तन चांदी के आईने में देखो जो खुद को सुबह उठ के कभी भगवान तो कभी शैतान दिखे बांधू लगोट पे गांधी के नोट में फसर को लंड पे बोलू की झूठ में सिरों पे रह के मैं हीरो बना सबका नेम फेम में सब तेरी बहन की चूत में प्रणाम अस्सलाम वालेकुम आजादू मैं मर्जी का मालिक हूँ कान बंद करना बालिक तू बुद्धि से गाली भी शायरी में तू मैं वो गाली को निकालता नहीं गाने में तो देता हूँ सिलेबस लेबल से साइनों के इन्हें लगू बेबस में सिखो तुम क्या ही करोगे मुझे वायरल पे बेच के ईमान एवी में होना नहीं फेमस। मूविंग ऑन डेडलाइन में ही हुआ तेरा रैप दैट्स फैक्ट। Finally, Mufad couldn't match his own 24 hour deadline जो उन्होंने Happy Diwala Ravan में set की थी। पहले days फिर बोले no hate, छोटे तू कहना क्या चाहता है? Mufad in his life was very sad about what happened। उन्होंने ये भी बोला था कि उनको हरजस और रफ्तार से कोई हेट नहीं है। ये फालतू की बातें हैं, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैंने अपना एक दो भाई खो दिए, मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से। सेम चीज उन्होंने हर हर गंगे की बात भी बोली थी कि उन्हें एमएवे से ज्यादा कुछ पंगा नहीं है, उनको बस प्रॉब्लम थी वो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट में बोल दी। तो कृष्णा इन दीज लाइन सेज कि मुफा डिस भी करता और बोलता है हेट भी नहीं है। एंड देन ही आस्क्स मुफा टू मेक हिज माइंड। अब आप तो बैठ की बात करें पर मजा तो तुझे बिलो द बेल्ट रहने में आता है। मुफाड़ ने ऐलान में रागा और कृष्णा को कॉल आउट करते हुए बोला था कि ये लोग बिलो द बेल्ट जाते हैं, यानी पर्सनल कमेंट मारते हैं। हियर कृष्णा रिस्पॉन्स टू दैट बाय सेइंग कि मुफाड़ अबव द बेल्ट रहने की बात करता है लेकिन उसको मजा बिलो द बेल्ट रहने में ही आता है। येट अनदर ब्लो जॉब रेफरेंस। मुझे जोड़ मत किसी और के उसूल से। हियर कृष्णा सेज कि मुफाड़ के उसूल होंगे अबव द बेल्ट रहने के या ट्रैक लीक ना करने के, बिकॉज मुफाड़ ने उसूलों की बात करी थी। मुफाड़ ने अपनी स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि मोक्ष को इन लोगों ने लीक करवा दिया था जो कि मुफाड़ के उसूलों के खिलाफ है। तो हियर कृष्णा सेज कि मुफाड़ को किसी और के उसूलों से कृष्णा को टारगेट नहीं करने चाहिए बिकॉज कृष्णा की आइडियोलॉजीज काफी अलग है। दो बार लिया एल तूने जैसे कूल जे। दो बार एल लेने के तीन पोटेंशियल मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज द नेम ऑफ द रैपर LL Cool J एंड दैट्स व्हाई द लाइन सेज दो बार एल लिया जैसे तू है कूल जे। द नेक्स्ट मीनिंग इज लॉस। कृष्णा सेज कि मुफाड़ लॉस्ट टू कृष्णा ट्वाइस, वंस आफ्टर अनटाइटल्ड एंड देन आफ्टर महारानी। तो ऐसे करके मुफाड़ ने कृष्णा से दो एल ले लिए। द थर्ड मीनिंग ऑफ एल is being displayed on your screens. मेरे balls क्यों पास तेरे मुंह के जैसे लेते shot जब लेट के तुम pool में। Now ये line मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। कृष्णा बोल रहे हैं कि उनके balls यानी testicles मुफाड़ के मुंह के बहुत ज्यादा पास है। एंड देन ही कंपेयर्स इट टू हाउ पूल खेलते वक्त जब शॉट लेते हैं तब पूल टेबल पर पड़ी बॉल्स फेस के बहुत ज्यादा पास आ जाती है। अमेजिंग रेफरेंस, टू गुड। आवाम खुश तेरी प्रजा को गाड़ के। आवाम रिफर्स टू कृष्णास फैन आर्मी एंड प्रजा रिफर्स टू मुफाड़स फैन आर्मी। कृष्णा सेज कि आज मुफाड़ की फैन आर्मी को गाड़ के उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। के अब मिलूंगा तुझे मैं तेरे घर के पास में। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज सिंपल कि वो मुफाड़ को रियल में उनके घर के पास मिलेंगे। बट इफ यू नोटिस द वीडियो कृष्णा इज एक्चुअली शूटिंग नियर हरिनगर द प्लेस वेयर मुफाड़ लिव्स। Also, he's wearing his infamous cap, जो वो diss tracks निकालते वक्त पहनते हैं। तू बना रहा diss और मैं बना रहा hit, देख लेंगे कौन क्या करता है इस साल में। Here Krishna says कि Mufad इस पूरे साल diss बनाएगा and मैं यानी कृष्णा पूरे साल hits देते जाऊंगा। He then says कि इस साल के एंड में देख लेंगे कि कौन कहां होगा। तीन गाने बाद भी मुझे ये दांत तेरे। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि मुफाड़ ने तीन गाने बनाए पर फैंस अभी भी कृष्णा को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तेरी खुशियां खत्म करी रात लेके। Now this line means कि उन्होंने ये गाना सिर्फ एक रात लेके लिखा है। एंड इस गाने के बाद मुफाड़ जितनी भी खुशी मना रहे थे बीफ जीतने की वो सब खत्म हो जाएगी। लाइफ अपनी कर मुझे डेडिकेट कर थोड़ा मेडिटेट पूरी जिंदगी मुझे जवाब देते। नाउ हियर इज अनदर स्मार्ट मूव। कृष्णा नोज कि अभी एक दो डिसेस और निकालेंगे मुफाड़, है ना। तो ही स्पिन्स द टेबल एंड सेज कि इस ट्रैक के बाद मुफाड़ को इतना स्ट्रेस होगा कि उसको मेडिटेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट ही विल डेडिकेट हिज होल लाइफ जस्ट टू रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रैक। करूं जो भी बोलूं एंड आई डोंट टॉक शिट बॉय, अगली बार जवाब मेरा होगा नहीं डिस बॉय। कृष्णा हैज सेड दिस टाइम एंड अगेन कि वो जो ट्रैक में बोलते हैं वो रियल में भी करते हैं। And after that, he says कि अगला जवाब वो diss से नहीं देंगे बल्कि hits से देंगे। तुझे लगे तीन गाने करने reply, मेरा एक गाना करे तीन को destroy। महारानी के बाद मुफाड़ came up with मोक्ष, एलान and दशहरा।
ईच वन हैड अ स्पेसिफिक सेक्शन डिसिंग कृष्णा. तो कृष्णा हियर सेज कि मेरे एक गाने का रिप्लाई देने के लिए तुझे तीन गाने लगे, बट माँ कसम विल डिस्ट्रॉय ऑल द प्रीवियस ट्रैक्स. वॉइस नोट्स के बिना एंड देन कृष्णा कॉल्स मुफार्ड अ स्निच. स्निचिंग क्या है अगर आपके दिमाग में भी ये बात चल रही है तो आसान भाषा में आपको बताऊं तो स्निचिंग का मतलब होता है चुगली करना. अब नॉर्मल जिंदगी में आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में ये बहुत नॉर्मल है, बट हिप हॉप में बिल्कुल भी नहीं. सो हिप हॉप वॉज ओरिजिनेटेड बाय अफ्रीकन अमेरिकन एंड उस टाइम पर गैंग्स होते थे. एंड उस टाइम नहीं, आज भी अगर आप किसी भी गैंग का पार्ट रहोगे तो वहाँ पे एक रूल होता है कि अगर आप कभी पकड़े जाते हो तो आप अपने दोस्तों की चुगली कभी नहीं करोगे. आप दो मुक्के एक्स्ट्रा खा लो लेकिन चुगली नहीं करनी. रिसेंटली एक केस हुआ था जिसके बारे में आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. एक पॉपुलर रैपर है नेम तकेशी 69, उनको बहुत सारी चार्जेस के लिए अरेस्ट किया गया, बुक किया गया एंड लाइफ सेंटेंस सुना दी गई. बोला जा रहा था कि वो 47 इयर्स तक प्रिजन में रहेंगे एंड इसी के डर से तकेशी 69 ने अपने गैंग मेंबर्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी ताकि तकेशी 69 का प्रिजन सेंटेंस जो है वो कम हो जाए. नाउ इट लॉजिकली कम्स अक्रॉस एज एन ओके थिंग कि चलो ठीक है यार, उसको अपनी भी तो सोचनी है ना, उसको अपनी लाइफ भी तो देखनी है. बट व्हेन इट कम्स टू हिप हॉप एज अ कल्चर एंड गैंग एज अ कल्चर, उसमें ये बहुत ही जलील कर देने वाली बात होती है. एंड तकेशी 69 को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज्यादा जलील किया जा रहा है. उसको कोई भी 69 नहीं लिख रहा है, उसको सब स्निच 9 लिख रहे हैं. तो कृष्णा हियर सेज कि अपने ही दोस्त की कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक में लीक करना इज स्निचिंग. व्हाट डू यू गाइस थिंक? कमेंट में मेरे को बताओ. क्या आप जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचता हूँ? मेरे ओपिनियन दशहरा के ब्रेकडाउन के वक्त आप जान लोगे. हियर इज अनदर क्लिफहैंगर फॉर यू गाइस. ओह, प्रमोशन के लिए धन्यवाद. एल्बम ड्रॉपिंग दिस समर. रेस्ट इन पीस. Rest in Peace is a spin-off on Rest in Peace. It is also a name of a very popular song from a 1995 album named Season of the Sickness. Rest in Peace basically means go to hell. Ma kasam, hard nahi choti to shuru se hi lagta hai naram. Ma kasam, palang tod kaise beta tera kafi halka hai wazan. Now in this part again, Krishna is using a flow from his opponent's track to diss his opponent. Mufar का एक गाना माँ कसम जो इसी महीने रिलीज होने वाला था, उसकी एक लाइव परफॉर्मेंस की वीडियो यूट्यूब पे रिलीज हो गई. अगर आप उसका लाइव परफॉर्मेंस वीडियो जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस गाने का जो हुक है उसकी अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर टू दिस पार्ट ऑफ माँ कसम. काफी सही. नरम रैपर क्योंकि मुफार्ड वॉज इमोशनली हर्ट बिकॉज ऑफ ऑल द पर्सनल अटैक्स. पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन. ये तो आप समझ ही गए होंगे. माँ कसम, पांच की बात करे पर अकेला मैंने किया तुझे खत्म. मुफार्ड टॉक्स अबाउट किलिंग ऑल द 5 मेंबर्स ऑफ कलमकार, बट कृष्णा ने अकेले ही मुफार्ड को हैंडल कर लिया. माँ कसम, तेरे मुंह से भाईचारे वाली बातें होती नहीं हजम. Referring to Mufar's live video where he was still addressing Harjas and Raftar as bhai. मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है. मैंने अपना एक दो भाई खो दिए. मेरे को कोई खुशी नहीं मिल रही है इस चीज से. And with that, this huge ass breakdown is finally over and the final score is. Now बहुत सारी बातें करनी थी about diss tracks and what makes a diss track really impactful, but breakdown was damn huge. So we'll cut it short here. इसके ऊपर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे, बट एक आपको सिंपल सी चीज बता के जाता हूँ कि एक बढ़िया सा जो डिस ट्रैक होता है वो दो चीजों से बनता है. उसमें दो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टेक्निकलिटी एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर द फैक्ट्स. एंड अगर ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके डिस ट्रैक में हो यू कैन हर्ट योर ओपोनेंट रियली बैड. अच्छा, नाउ यू कैन शो योर सपोर्ट टू दिस चैनल बाय बाइंग माय मर्च. भाई साहब, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, हमें 20-30% ही समझ आया था माँ कसम ट्रैक जब हमने ब्रेकडाउन नहीं देखा था तब. अब ब्रेकडाउन देखा तो अब पूरा समझ में आ गया, बट विदाउट ब्रेकडाउन हमें 20-30% ही समझ आया था. हाँ बिल्कुल, इसमें इतने सारे बार से हैं जो हमने मिस कर दिए थे, है ना. कुछ बार्स तो ऐसे थे जो सड़क के ऊपर से गए थे, मतलब इधर भी आके ना ऐसे ठहरा नहीं था, वो ऐसे गया था. बट इनकी कितनी मेहनत है रोहन सर की, इन्होंने ब्रेक डाउन एक एक लाइन एक एक वर्ड के इतने सारे डिफरेंट मीनिंग्स हमें बताए. दैट वाज कि एक वर्ड के तीन तीन मीनिंग बताए. हाँ, और हो सका तो एक और एक्स्ट्रा ऐड कर. बूटी का था जैसे, है ना, एस वीड और एक और था
और वो देखा था 626 वाला वो पॉइंट काउंटर 66 पर ही आया था. वो सिक्स वाला जो था वो 66 पर ही आया था शायद. आई एम नॉट श्योर, पता नहीं यार, मैं पॉइंट्स लर्न कर रही थी, बता रहे थे ना, मैं उस पर रही थी तो मेरे शायद वो 66 पर ही आया था. बाकी आई विल चेक, वो तो देखेंगे. बट कुछ कुछ लाइंस तो थी ना इसमें जो हमें समझ भी आई थी, उसकी मीनिंग देखो कितने, मतलब कितने सारे हमें पता चले. हमने उस टाइम पर एक कैच किया था जो हमें समझ आया था उस लाइन से. बट रोहन सर ने हमें बताया ना अभी काफी सारे लाइंस, काफी सारे बार्स थे जो हमें समझ आए थे. बट अब तो पूरा ही समझ आ गया ब्रेक डाउन देख के. तभी इसको बेस्ट डिस्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं मुझे अब पता चल रहा है. हाँ, मैं यही बोलूंगी कृष्णा सर का इतने सारे डिस्ट्रैक्ट और मुफार सर के जितने भी डिस्ट्रैक्ट थे उनके लिए एक एक ही काफी है. मुझे बेस्ट डिस्ट्रैक्ट लगा फ्रॉम दिस बीफ. अभी एक रहता है भूत बनेगा, वो भी चेक कर लेंगे मुफार सर का. बट मुझे अब तक टिल येट बेस्ट डिस्ट्रैक्ट लगा है क्योंकि उसमें एक एक गाने का ना एक ही गाना सारे एलिगेशंस ले लिए फैक्ट्स. ठीक है, इतने सारे मेटाफर्स यूज किए गए हैं जो कि बहुत ही, मैं क्या जितना बोलूँ उतना कम है. इतने सारे वर्ड बोलने हमारी जीभ लड़खड़ा जाएगी. इतने सारे वर्ड प्ले कर, और जैसे उन्होंने बोला ना एक ही रात में बैठ के मैंने लिखा है, इतना 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 सारा कैसे लिख दिया एक ही रात में. मैं अगर एक रात में अपना काम करना बैठू ना मेरा पूरा काम भी ना हो ना. इन्होंने पूरा काफी टैलेंटेड है, काफी बहुत ही ज्यादा इनकी वर्ड वोकैबुलरी मुझे बहुत पसंद है. वो देखो ना कि लाइन लाइंस, चलो ठीक है लाइंस हो रही है, लाइंस लाइन वाइज आ रही है. जो बार्स उसमें देखो एक ही लाइन में कितने वर्ड्स है और अलग अलग मीनिंग. वर्ड प्ले इन्होंने बहुत ही बढ़िया करा है. कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लिखे है शुरू से. लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो मुफार सर है और कृष्णा सर, उन दोनों की जब स्टार्टिंग हुई होगी ना, या पहले पहले दिन मिले होंगे और ये आखिरी दिन ये जो लड़े होंगे, जो डिस्ट्रैक्ट इधर से आया उधर से आया, मतलब पूरा ना इकट्ठा कर लिया है ना. हम जैसे कपड़े बांध देते ना ऐसे, उन्होंने सब कुछ बांध बूंद के सब कुछ सुना डाला एक ही उसमें. माँ कसम इसको नींद आ रही है. मैं सुबह 6 बजे की उठ रही हूँ, नींद तो आएगी ऑब्वियसली, 10 बज रहे हैं. और जो कृष्णा सर के मुँह से ना, एक तो बेटी वर्ड और एक जलपरी, ये दोनों वर्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. वो जलपरी मर पड़ी चल पड़ी ऐसे कुछ लैंग्वेज चल पड़ी मर पड़ी पड़ी ऐसे, ये वाला इन वर्ड्स को, इन दो वर्ड्स को यूज कर एक सेंटेंस बनाया था. बेटी 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 मसला बेटी. और वो है जो ऐसे कर रहे थे पूरे मक्खी लग रहे थे मुझे तो, क्योंकि कैमरा एंगल भी ऐसी था, काफी गोल था उनका फेस ना, ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था वो, ऐसे भी थे ना पूरे, ऐसे मक्खी लग रहे थे मक्खी. पर वो जलपरी वाला वो कर रहे थे जैसे जलपरी घूमते हैं यार, जो भी हो वाला, जो भी हो मुझे जो लगा मैंने वो बोला. मक्खी सॉरी बटरफ्लाई बोल देती मक्खी. चलो एनीवेज ये इसका ओपिनियन है, इसने बोला ठीक है मानते मक्खी. आपको कैसा लगा ब्रेकडाउन, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. हमें तो काफी मजा आया रिएक्शन उड़े थे, क्या पता चली गया होगा इस बात पे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना. डू हिट द बेल आइकन आल्सो टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना.